को सीधा ले चलते हैं राजस्थान के जयपुर के पीसीसी मुख्यालय, जहां पर कांग्रेस नेता महेश जोशी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। इसके विश्लेषण करने में लंबा समय लगेगा, तो अभी फौरी तौर पे बस इतना कह सकते हैं कि जो जनादेश है उसको विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। राजस्थान की जनता की कांग्रेस ने भरपूर सेवा करने की कोशिश की, जो कारण रहे कि हम पुनः सत्ता में नहीं आ सके, हम रिवाज को नहीं बदल सके, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे, हमारी जो कमियां रही हैं उनको दूर करेंगे और पूरी ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम राजस्थान की जनता की आगे भी सेवा करते रहेंगे। जोशी जी, कल शाम को लोकेश शर्मा ने एक बड़ा ट्वीट किया है, तो ये गंभीर ट्वीट है क्योंकि उन्होंने शब्दों ही शब्दों में गागर में सागर भर दिया। पता नहीं उन्होंने क्यों कहा, ये तो वो जाने। मुझे पता है क्या कहा उन्होंने। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने उनको टेलीफोन करके पूछा, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं आपका कोई अकाउंट हैक हो गया हो, उन्होंने कहा नहीं मैंने लिखा। मैं समझता हूं कि उनको कोई शिकायत थी तो वो दूसरे तरीके से भी कही जा सकती, ये समय नहीं है ऐसे शिकायतों का। और जो आदमी ओएसडी रहा हो वो इस तरीके की बात ऐसे टाइम पे करे, क्या वो चुनाव हारने का इंतजार कर रहे थे, मैं नहीं समझ सकता, या चुनाव जीतने का इंतजार कर रहे थे। जो परिस्थितियां, मैं समझता हूं समय अनुकूल नहीं है, उनको मिल बैठ के बात करनी चाहिए थी। उनको कोई बात, कोई शिकायत थी, जो वो पुरानी शिकायतें बता रहे हैं, तो उसी समय उनको उन पे एक्शन लेना चाहिए था। और कुछ अगर मान लीजिए उन्होंने वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को बताया और उन्होंने नहीं सुना, तो उन्हें उसी टाइम अपना पद छोड़ना चाहिए था कि मैं अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। ओएसडी एक तरीके से सलाहकार की भूमिका में भी होता है, वो कह रहे हैं कि मैंने सलाह दी, बहुत सारी बातें उन्होंने उनकी मैंने सुनी, तो उनको उसी टाइम पे छोड़ देना चाहिए था। मैं ये मानता हूं कि ये समय उचित नहीं है। मन में बहुत सारे लोगों के बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन उचित समय पे, उचित प्लेटफॉर्म पे वो बातें कही जाती हैं। भाई साहब, विधानसभा स्पीकर जो है वो भी अपनी कहीं ना कहीं इनकंवीनियंसी के चलते हार का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा पद है। मैंने कहा ना कि अभी जल्दबाजी है, क्यों हारे, एंटी इनकंबेंसी नहीं थी। कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़े उनके खिलाफ, या मंत्री थे कि एमएलए थे, उनके खिलाफ व्यक्तिगत कुछ बातें हो सकती हैं, एक माहौल बनाने की वैसी कोशिश की गई, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एंटी इनकंबेंसी नहीं थी। और क्या कारण रहे इनका विश्लेषण करेंगे और नए सिरे से जनता की सेवा करेंगे।